सर, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से आयुष शर्मा को हटा दिया गया है, क्या रिएक्शन है सर? हाँ बिल्कुल, मैंने सुना काफ़ी अपडेट्स आ रही है, क्योंकि देखिए पहले से ही काफ़ी ज़्यादा जो है फिल्म को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था। मतलब उस तरह से सलमान खान को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा था, लेकिन फरहाद शामसी इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे शुरू से ही, सबको मालूम था। तो क्या था कि उनके नाम की वजह से ना लगातार और वो फ्लॉप दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, और डिजास्टर फिल्में दिए जा रहे हैं, फ्लॉप भी नहीं। तो लोग चिढ़ रहे थे कि सलमान खान इनको क्यों लिया जा रहा है, इनको हटा देना चाहिए फिल्म से और किसी और कोई डायरेक्शन करना चाहिए। इस वजह से फिर फरहाद शामसी को भी हटा दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। फरहाद शामसी भी नहीं है, आयुष शर्मा जो उनके बहनों ही हैं वो भी नहीं है फिल्म के अंदर, उनको भी बाहर कर दिया गया है, कुछ दूसरे नाम भी जुड़ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे कभी कभी दिवाली के लिए लग रही है वो ये लग रही है कि इसमें डीएसपी का म्यूज़िक होने वाला है। बिल्कुल, क्या डीएसपी जो है, जैसे कि पुष्पा में उन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो क्या गज़ब का म्यूज़िक दिया, किस लेवल का म्यूज़िक दिया है, बहुत बेहतरीन म्यूज़िक था, सभी ने सुना हुआ है पुष्पा का म्यूज़िक, पुष्पा का थीम म्यूज़िक हो चाहे गाने हो उसके, ओवरऑल बहुत बेहतरीन बीजीएम वगैरह सब दिया उन्होंने। तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया है सलमान भाई ने कि उन्होंने डीएसपी को शामिल कर लिया है फिल्म के अंदर, और म्यूज़िक का लेवल जो होगा फिर वो अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा, कभी कभी दिवाली धमाल मचाएगी। तो मज़ा आ रहा है देखने में, अब मुझे ऐसा लग रहा है अब सही लोग जुड़ रहे हैं और सही फैसले किए जा रहे हैं, अब मुझे उम्मीद ज़्यादा बन गई है फिल्म से कि फिल्म और बेहतर हो सकती है। अच्छा, फिल्म में पूजा हेगड़े भी नजर आएंगी, उनके साथ लव केमिस्ट्री देखने के लिए कितने एक्साइटेड जी? बिल्कुल, पूजा हेगड़े के लिए तो ये देखेंगे, पूजा हेगड़े हैं फिल्म के अंदर, उनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, वो भी लगातार मेगा डिजास्टर फिल्में दिए जा रही हैं एक के बाद एक, तीन डिजास्टर फिल्में दे चुकी हैं, मैं नहीं चाहता चौथी ये बन जाए, इस वजह से पूजा हेगड़े से उम्मीद इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है शहनाज गिल से, शहनाज गिल के साथ में भी उनका कुछ लव एंगल हो या किसी भी प्रकार का हो तो वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, मैं तो उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, शहनाज गिल और सलमान खान को साथ में देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बजाय पूजा हेगड़े के। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये फिल्म मज़ेदार होने वाली है और कई नए नाम जुड़ रहे हैं, और अभी तो खैर शूट शुरू ही हुआ है, धीरे धीरे और अपडेट्स आएंगे, हो सकता है कोई और भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कोई और एक्टर्स आ रहे हैं नए कैरेक्टर्स के रूप में या कुछ भी करके, और फिल्म और बेहतर बने इसी उम्मीद रखता हूँ। डीएसपी का म्यूज़िक आना मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डीएसपी का म्यूज़िक है इस फिल्म को ज़्यादा ऊपर लेवल तक पहुँचा देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।